अपने आप में नहीं थी, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया, उसके लिए I'm sorry. It's okay. Thank you. आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं. क्या? वही तो सोच रही हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ. वो आपसे शादी कर रहा है, ये अंदाजा है, शक नहीं है. वो बात दिल में थी इसलिए पूछ ली. वो उस दिन दानिश को फोन किया और आपने फोन उठाया तो मुझे लगा कि शायद, अगर आप नो कह दोगे तो नो. वो समझ. मैं जानती थी. पता है हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, पहले मैं भी उसी की तरह सोचती थी, लेकिन बाद में कुछ गलतियां हो गई मुझसे. मैं उसकी मोहब्बत तक पहुंच ही नहीं पाई. वो कहा करता था, क्या है जो हमारे पास छोटा सा फ्लैट है, क्या है जो बस जरूरत पूरी करने के लिए नौकरी है, क्या है जो गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास तो तुम हो महवेश, मुझे इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. आपकी क्लास तो नहीं थी? नहीं नहीं क्लास होती तो मैं डेफिनेटली क्लास खत्म करके आपसे मिलती. ओह हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं उसकी इतनी ज्यादा मोहब्बत पर बिलीव ही नहीं कर पाई. ये तो आज सोचती हूँ कि वो इतना कुछ होने के बाद भी मुझे रोकना क्यों चाहता था. जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन भी उसने बड़े जतन किए थे, मगर मैं जा चुकी थी, रुकना ही नहीं चाहती थी. मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन आप ये भी मानो, गलतियां तो हो जाती है ना. मैं ये नहीं मानूंगी. मैं शादीशुदा लड़की को ऐसी गलती की इजाजत नहीं देती, और एक माँ को तो बिल्कुल भी नहीं. माँ अगर ऐसी गलती करे तो उसे गलती नहीं कहूंगी, गुनाह कहूंगी. मर्द ऐसी गलतियां नहीं करते क्या? मैं ऐसी हजार औरतों को जानती हूँ जो चार छह दिन रोध होकर उनको माफ कर देती हैं, बल्कि ऐसी बन जाती हैं जैसे वो दूध के धुले हों. मेरे अब्बा कहा करते थे कि मर्दों से अपना हक जरूर मांगो, लेकिन उनके हुकूक में से हिस्सा ना मांगो. तो मर्दों के पास गलती करने का हक होता है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा कि औरत के लिए माफ करना आसान होता है. क्यों? क्योंकि मर्द अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं करते ना, औरत अपनी कोख से बच्चे पैदा करती है. नस्लों की शनाख्त उसके रहमो करम पर होती है. बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. यू मे डिसएग्री. लेकिन अचानक क्या हुआ? आपकी तो शहवार अहमद से शादी हो गई थी ना? शादी नहीं की थी, उसने धोखा दिया मुझे. एन शादी के वक्त उसकी बीवी आ गई और बीवी को देखकर वो चूहा बन गया. क्या नाम था आपका? हानिया जी. हाँ हानिया, तो मैं ये कह रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ, मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिल गई. आप ठीक कहती थी, मैं उसकी गुनाहगार हूँ. आप उसकी गुनाहगार नहीं हैं, आप खुदा की गुनाहगार हैं, क्योंकि वो आपको खुदा के भरोसे घर छोड़कर जाया करता था ना. या फिर आप मोहब्बत की गुनाहगार हैं, क्योंकि मोहब्बत ही भरोसा करने की हिम्मत देती है.
मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। खुदा से लड़ाई में किसी और से मदद मांगेंगी तो क्या मिलेगा? और अगर आप समझती हैं कि आपको आपकी गुनाह की सजा मिल गई है तो जाके दुआ कीजिए, जो सजा मिली है आपको बस उतनी ही सजा हो आपकी। वरना अक्सर ये होता है कि यहां से सजा शुरू होती है। महवेश वो मोहब्बत बेशुमार देता है तो सजा भी बेशुमार देता है, और ये बात मैंने अपने अब्बा को देख के सीखी है।